छठ का पर्व पूरे उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में सूर्य देव की उपासना की जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही देवी छठ माता की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है और सप्तमी तिथि की सुबह तक चलती है। छठ पूजा की रौनक सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल में देखने को मिलती है। मान्यता है कि छठ पूजा करने से छठी मैया प्रसन्न होकर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी माता को सूर्य भगवान की बहन कहा जाता है। इस वर्ष छठ पूजा 20 नवंबर यानी शुक्रवार को है, लेकिन आपको बता दें कि छठ पूजा का प्रारंभ 2 दिन पहले चतुर्थी तिथि को नहाए खाए से होता है, फिर पंचमी को लोहांडा और खरना होता है, उसके बाद षष्ठी तिथि को छठ पूजा होती है जिसमें सूर्यदेव को शाम को अर्घ अर्पित किया जाता है। इसके बाद अगले दिन सप्तमी को सूर्योदय के समय उगते हुए सूरज को अर्घ देने की परम्परा है और फिर पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है। तिथि के अनुसार छठ पूजा 4 दिनों की होती है। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस साल यानी साल 2020 में छठ पूजा की तिथियां क्या क्या है। पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। ये छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन नहाए खाए होता है। इस वर्ष नहाए खाए 18 नवंबर यानी बुधवार को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर होगा और वही सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। दूसरा दिन लोहांडा और खरना। लोहांडा और खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। इस वर्ष खरना और लोहांडा 19 नवंबर दिन गुरुवार को है। 19 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा, वही सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होता है। इस दिन की छठ पूजा होती है। इस दिन शाम को सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस साल छठ पूजा 20 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:48 पर होगा, वही सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा के लिए षष्ठी तिथि का प्रारंभ 19 नवंबर को रात 9:59 से हो रही है, वही 20 नवंबर को रात 9:29 पर षष्ठी तिथि समाप्त हो रही है। चौथा दिन यानी सूर्योदय अर्घ का दिन। इस दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। छठ पूजा का अंतिम दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को होता है। इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद पारण कर व्रत को पूरा किया जाता है। इस वर्ष छठ पूजा का सूर्योदय अर्घ्य तथा पारण 21 नवंबर को होगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:49 पर होगा, तो वही सूर्यास्त शाम 5:25 पर होगा। तो ये थी सारी छठ पूजा की तिथियाँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही धर्म से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।